आजकल डिग्री का ज्यादा महत्व है। जब मैं गंगा कैसिल में गया तो निरहुआ के सरिया जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी कॉमेडी को देखा, बोले राम कुमार भाई तोहरी कॉमेडी नंबर एक बा हो, कितना पढ़ल वाला हमारे के डिग्री दिखावा। डिग्री हमें पढ़ा लिखा था नहीं, मेरे पास केवल दो डिग्री, एक 36 एक 42। जो लोग पढ़े लिखे होंगे समझ गए होंगे। इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ, आप पढ़े चाहे ना पढ़े अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाए, ईटा गारा करके पढ़ाए, क्योंकि आपका बेटा अगर पढ़ गया तो आपका नाम रोशन होगा, आपके क्षेत्र का नाम रोशन होगा और आपके जिले का भी नाम रोशन होगा। मैं प्रोग्राम के माध्यम से अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता हूँ, तो वहां पर मुझे लोग बोलते यार राम कुमार भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा फतेहपुर से आया हूँ। तो वहां पर एक रामलीला का आयोजन हो रहा था, तो दिन में रावण वध होता था, रात में रामलीला का प्रोग्राम था। तो हनुमान जी थे नल नील अंगद जमुवंत सुग्रीव, रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे और भरत थे, शत्रुघ्न थे, बगल में जानकी मैया भी खड़ी थी। अब उसमें खाली देखो गांव के बच्चे थे, रामलीला का प्रोग्राम रात में था लेकिन दिल में रावण वध होता था। तो मेला का कार्यक्रम था, उसमें जो रावण का रोल कर रहा था वो आदमी नया आया, पता नहीं किस कारण बस रामलीला का आयोजन था लेकिन जो रावण का रोल करने वाला था वो नया आया। अब कमेटी वालों ने कहा यार भाई मेरी नौटंकी थी, बगल के गांव में मेरी नौटंकी थी, मैंने कहा जाकर के मैं रामलीला का प्रोग्राम तो देख नहीं पाऊंगा, मैं कहा रावण पर देख लूं। वहां पर जब पहुंचा तो रावण का रोल करने वाला नहीं था, अब रामचंद्र लक्ष्मण जी हनुमान जी पूंछ लटकाए घूम रहे हैं, जब रावण नहीं तो रावण पद कहां से होगा। कमेटी वालों ने सलाह बनाए, बोले यार बगल में नौटंकी है, राम कुमार जोकर आया हुआ है, काहे उसको बुला के लाओ। हम गए, हम कहा भैया देखो हम रात भर के जगह के हमको सो ले दे, कहा यार भाई एक घंटा का काम है, तुमको रावण बनना है। हम कहा रावण तो हम बनेंगे लेकिन भैया, हम कहा रावण को कितना पैसा देते हो, बोले यार 8000 में तय है। हम कहे 8000 में रावण, बोले हाँ बहुत बड़ा रावण है। मैंने कहा मैं उससे छोटा रावण हूँ, मुझको आप 800 रुपए देना। मैं कहा एक घंटे का काम है, मैं कहा भाई 9 बजे रावण मर जाएगा। हाँ मैंने कहा 9 बजे रावण मर जाएगा, रावण फिर नौटंकी में जाएगा। अब कमेटी वालों ने सलाह बना, बोले 50 मैं दूंगा, बोले 50 मैं दूंगा, धीरे धीरे करके 300 रुपए इकट्ठा हुए। कोई 42 में था, बोले यार सुबह ले लेना क्या, भाग जाएंगे क्या। हमने कहा ठीक है भैया जीरो का, अब देखो हमको रावण बना दिया, बड़े बड़े मूंछा 10 ठो, 5 इधर 5 उधर बाकी उधर। अब देखिए 300 रुपए मिले, 500 रुपए उधार, अब 500 रुपए उधार, अब रावण राम में लड़ाई हो रही है, रावण मैं उधर से रामचंद्र लक्ष्मण जी हनुमान की सेना मेरा पीछे किया है। अब मुझको खाली टेंशन थी किस बात की कि 500 रुपए नहीं मिला रावण नहीं मरेगा। मैंने कहा यार रावण मर जाएगा तो 500 रुपए कहां ले आऊंगा। अब देखो परेशान रामचंद्र आए, रावण मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा राम जी तुम नहीं चाह, तुम्हारे बाप दशरथ आ जाए रावण नहीं मरेगा। 30 बाण मारा, विभीषण आया, बोले प्रभु प्रभु ऐसा करिए 31 बाण मारिए, इसकी नाभि में अमृत है, नाभि में मेरे अमृत नहीं था, नाभि में मेरे सौ राम था। समझने वाले समझ गए, मैं दारू पिए बिल्कुल फेट, मैंने कहा मार लंकेश। विभीषण
विभीषण को मैंने पकड़ा, मैंने कहा के रे कुलघाती, तू मेरा भाई हो करके दुश्मन का साथ दे रहा है, एक लात मारा, एक लात मारा, राम जी की शरण में पहुंच गया। बोले प्रभु ये मेरे बस का नहीं है। हनुमान जी का दल लेकर के आए, बोले मैं देखता हूँ। मैंने कहा यहाँ बेटा हनुमान, मैं कहा के बे बंदर, मैं कहा के रे बंदर, तुम्हारी वजह से साले खेतों में अनाज नहीं होता। मैं कहा ककड़ी खीरा खाने वाली जात, मैं कहा यहाँ इधर आ। हनुमान जी की पूंछ पकड़ा, तीन फेरा घुमाया। हनुमान जी को फेंक दिया नहर में, गिरे, पूंछ उखड़ गई। अब लक्ष्मण जी आए, बोले लंकेश, मैंने तेरे बेटे मेघनाथ को मारा। मैंने कहा मेघनाथ की बात हटा दे बेटा, मैंने कहा तेरा आज पाला लंकेश से पढ़ा है। अब पूरे लोग परेशान, बोले यार रावण क्यों नहीं मर रहा। अब उनको क्या पता कि रावण क्यों नहीं मर रहा। लक्ष्मण आया, बोले रावण क्यों नहीं मर रहा। मैं कहा साले जब तक 500 रुपए नहीं देगा रावण नहीं मरेगा। तीन मिनट का लक्ष्मण को खिलाया। मैंने कहा क्या रे, आजकल भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। मैं कहा तो भाई के पीछे अपनी माँ को छोड़ करके आया, अपने भाई को छोड़ करके आया। मैं कहा मन मन भटक रहा है। मैं कहा तेरी तपस्या की तीन कनपटा मारा। जब तीन कनपटा मारा लक्ष्मण जी भाग गए। अब आए राम जी, बोले रावण बहुत हो चुका, 31 बाण मार रहा हूँ, आपके मर जाना। मैं कहा जब तक 500 रुपए नहीं मिलेगा रावण नहीं मरेगा। रामचंद्र जी को पसीना आ गया, जैसे मुझको पसीना आ रहा है। पूरा गांव परेशान, कहा यार आपकी का रावण बड़ा खतरनाक है। कहे रावण नहीं मर रहा। मैं कहा जब तक रावण 500 रुपए नहीं मिलेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। अब जिससे बातें थी वो मेरे सामने नहीं थी। सब बोले रावण मर जाओ, बोले रावण मर जाओ। मैंने कहा अबे मरने के बाद क्या 500 रुपए लेकर के आऊंगा खेत। मैंने कहा रावण ऐसे नहीं मरेगा। जब कमेटी वाले आए 500 रुपए दिया, मैंने कहा खाली एक बाण मारो रावण मर जाएगा। तुम्हारी छुट्टी है। ठीक ठीक। अभी भैया जी ने बताया कि तमाशा क्या होगा। तमाशे पे आधारित हमारे बड़े भैया छोटे लाल जी ने बताया कि भाई देखिए तमाशा होगा टोली और जनाजा, दहेज में कलेजा, भाई बहन का प्यार, शतरंज की चाल, करण सिंह डाकू, माखन सिंह डाकू, टाइगर सिंह डाकू। लेकिन कुछ लोगों ने इतराज किया कि भाई ये तमाशा नहीं होगा। अब आप लोग मिसकॉट बना लीजिए, तमाशा कौन होगा कौन नहीं होगा ये आप लोग मिसकॉट बनाएंगे। और मैं आप लोगों को डायरेक्ट हंसे हंसाने के कार्यक्रम में ले चलता हूँ। टाइम ज्यादा नहीं, टाइम नोट कर लीजिए, मेरी घड़ी में 11:39:42 हुए। आप लोग घड़ी पर ध्यान दीजिए, मेरी घड़ी में 11:40:41 हुए हैं। मैं आपको अगले कार्यक्रम की दुनिया में ले चलता हूँ। आइए बगल में भोले बाबा एक भक्ति गाना सुनाता हूँ। यह फिल्मी दुनिया वाले एक से एक गाना निकाल देते हैं। गाना कोई भी गलत नहीं होता। आजकल इंसान दारू को बहुत गहरे में ले रहा है, कहीं पीतर लगा हम दारू नहीं पिएंगे। चाहे धर्म गदलवन के चट्टी न हो, मगर शाम के 100 ग्राम पीने का इंतजाम होना चाहिए। अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग कहेंगे ड्राइवर दारू पिए रहा है। लोग दारू को बदनाम कर दिया। दारू खराब नहीं है, शराब खराब। लोग कहते शराब खराब है, शराब खराब नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और तैतून मिल करके समुद्र को मथा, उसमें 14 रत्न निकले। कामधेनु गाय,
ऐरावत माथी लक्ष्मी जी पैद धनवंतरी पैद वगैरह वगैरह तमाम रत्न निकले, उसमें ये मदिरा भी निकली। मदिरा को पाने के लिए देवी और देवता तथा दैत्य अमृत भी निकला तो उस पर झपटने लगे। अब देखिए देवता थे चालाक, देवता जब चालाक थे तो अमृत पिला दिया देवी देवताओं को और मदिरा पिला दिया दैत्यों को। अब यह मदिरा तभी से चली आ रही, लेकिन लोग शराब को बदनाम करते हैं। तमाष्ट दारू बदनाम, आज इस युग में हर आदमी नशे में है। किसी को तिल्ली काटने का नशा, किसी को धान लगाने का नशा, किसी को सब्जी बेचने का नशा, किसी को पैसे बनाने का नशा, किसी को मोबाइल में बात करने का नशा। लेकिन लोग दारू को बदनाम करते हैं। दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, दारू जिसको दारू का नशा होएगा होएगा खाना नहीं निकला, थाली परसी हो तो कहते भैया 100 ग्राम पी ली जाए तो खाना की थाली का बाद में खानी है, पहले 100 ग्राम लगानी है। कोहू का दारू का नशा, कोहू का है दारू का नशा, जहिका मेहरारू का नशा होएगा वहू का खाना ना निकला। जब मोर बियाह नवा नवा भराए बियाए दूल्हा धरा थांभर नहीं रहे कि धरा थांभर सगाई लाग नहीं। हेलो हेलो छोटे लाल भैया, चलो छोटे लाल भैया, छोटे लाल भैया तय के पहुंचो। कहू का दारू का नशा, कहू का है मेहरारू का नशा, वही नसेबा डीजेल मास्टर बजावे हरमुनिया। संगम सिंह जी, ये संगम सिंह जी जो कि कीर्तन पार्टी के बहुत बड़े सहायक एंड पार्टी मालिक हैं, जिन भाइयों के घर में शादी विवाह मूलन छठी बरहों में कीर्तन मंडल के सस्ता पड़े तो बेहतरीन कलाकारों द्वारा, लेडीज कलाकारों द्वारा इनके पास कीर्तन का आपको फुल पूर्ण मनोरंजन दिया जाएगा। भैया जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। देखे भैया इसी बात पर, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, केहू कहे दारू का नशा, केहू कहे मेहरारू का नशा। तुम बताओ भैया जब तुम्हार बियाह भरा है। देखो भैया पहले अनाउंस कर दो, श्रीमान माननीय हमारे श्री ठाकुर गुलाब सिंह जी। अच्छा श्रीमान माननीय हमारे ठाकुर गुलाब सिंह जी ब्योटी निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब जी के अंदर का लो दौरा पीली बनियानी पहने हैं। हाँ हाँ 51 रुपए का इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया। 51 रुपए का इनाम आपके लिए स्पेशल है। इसी गीत में दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, समझने की बात है। कहू का दारू का नशा, कहू का है मेहरारू का नशा। सही बात है भैया। यह बता जब पिया भा मेहरिया तुम्हार तुमका कितना स्वागत करती है, तुम बताओ अपने दिल से। सही बताई। हाँ हाँ
महीना 15 दिन तो बड़े प्यार मोहब्बत से हाँ। फिर इतना चाहेला इतना चाहेला जो 100 ग्राम लगा के दुआ का तो पहुंच जाई खागा से ना लगा लगा के पानी तो पानी तो छोड़ो बोल सुन ले झट निकल आवे तारे वाली दे लागे अच्छा तारे वाली उतार के समझे वाले खुश समझ जाए हाँ समझ गए अर कोहू का दारू का नशा कोहू का है अर वही ना सेवा विजय मास्टर बजावे हरमुनिया दारू पदना अपने हाथ से बना के लाया हूं आप लोग ये तमाशा देखेंगे हो सकता है आपको पसंद आ जाए ये तमाशा मैंने अपने घर में बैठ करके तैयार किया है जो आजकल का समाज है आजकल के हमारे नौजवान साथी हैं भाई बहन का प्यार